हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाइस ट्रेडर के ट्रेडर्स चैलेंज के बारे में कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है वाइस ट्रेडर के ट्रेडर्स चैलेंज को शुरू हुए, और दोस्तों ये चैलेंज करीब 2021 में जनवरी मंथ में जो है शुरू हो गया था। ठीक है, और दोस्तों उस वक्त पे मार्केट जो है कहीं 14,800 के आसपास चल रहा था। तो दोस्तों ये वो वक्त था दोस्तों जब शुरुआती मंथ में तो डेफिनेटली उनको कॉल राइटिंग में फ़ायदा हुआ होगा, बट दोस्तों ये जो बजट की न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसके बाद में अच्छा खासा मार्केट ने तेज़ी पकड़ी और ये जंप मार के गया 15,400 के लेवल तक। ठीक है, तो 15,400 तक गया होगा तो डेफिनेटली उनको लॉस का सामना करना पड़ा होगा इस पूरे जोन में। अब दोस्तों यहाँ मार्केट 15,400 तक क्यों गया, इसके पीछे वजह किसी ने भी नहीं बताई होगी आपको। किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे जा कर के देखो, आपको ऐसी कोई वजह देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन दोस्तों उसकी वजह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलेगी। और आप जो है दोस्तों उसको देख सकते हो कि जो ये वीडियो बनाई थी हमने 15,400 के लेवल पे निफ्टी सेल ऑफ फ्रॉम 15,400 लेवल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी दोस्तों। इसमें मैंने बताया था कि मार्केट जो है 15,400 के लेवल से नीचे ही क्यों गया और इसमें कौन सा ऐसा इंडिकेटर था जिसका यूज़ किया गया था। हालांकि दोस्तों आपको पता हो तो वाइस ट्रेडर अपने सब्सक्राइबर्स को कभी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स पर यकीन करने को नहीं बोलता, लेकिन दोस्तों मुझे जो है, मैं अपने एनालिसिस को पर्सनली करता हूँ, मेरा कोई वाइस ट्रेडर से कोई ऐसा लिंकअप नहीं है। बट दोस्तों मेरा ये कहना है कि मेरे सोचने के तरीके अलग हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के। और दोस्तों यहाँ पे जो है 15,400 के लेवल से मार्केट क्यों फॉल हुआ था उसको आप इस वीडियो में जाकर के ज़रूर देख सकते हो और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा उसका रीज़न। ठीक है, इसके बाद में भी दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों को जो है अवेयर किया था स्टॉक मार्केट को लेकर के कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वैसा ही कुछ मार्केट के साथ में हो रहा है। और मैंने सजेस्ट किया था काफ़ी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी, जो ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर के ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज देता रहता हूँ, ताकि जो रिटेलर्स की कम्युनिटी है वो अवेयर हो स्टॉक मार्केट को लेकर के। ठीक है, अब दोस्तों 15,000 से ही कॉल राइटिंग्स के जो है ज़्यादातर ट्रेड लेने पे आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा होगा इस जोन में। ठीक है, तो दोस्तों वाइस ट्रेडर काफ़ी लंबे टाइम से जो है शॉर्ट पोजीशन बना करके बैठा हुआ होगा, वो तो करीब जब मार्केट 13,000 पे चल रहा था तभी से स्टॉक मार्केट में शॉर्ट पर चल रहा है। बट दोस्तों मार्केट जो है 15,000 के लेवल तक भी गया था। ठीक है, और 15,400 के हाईएस्ट लेवल को भी मार्केट ने जो है टच किया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे स्टॉक मार्केट में क्या होगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया अभी काफ़ी ज़्यादा कोरोना के वायरस से जो है परेशान है और काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा है, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो है अभी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई पे चल रहा है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है जिसकी वजह से तेज़ी से जो है फॉल देखने को मिले। ठीक है, तो हो क्या रहा है दोस्तों, अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो ही सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के जा रहे हैं, और जो कॉल और पुट बायर्स हैं दोनों के दोनों लॉस में ही होंगे इस टाइम पे। जिनकी भी पोजीशंस हैं वो लॉस में ही बनी हुई होगी, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे तो जब से मार्केट ने 15,400 का लेवल देखा है वहीं से कंटिन्यूसली अप्स डाउन्स चल रहे हैं मार्केट में लगातार, और मार्केट धीरे धीरे करके एक डाउनवर्ड टेरिटरी में चल रहा है, और ऐसा कुछ महीनों तक तब तक देखने को ज़रूर मिलेगा जब तक कि कोई बड़ी फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस की जो है सिचुएशन की न्यूज़ नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो जोन है दोस्तों ये काफ़ी बना हुआ है और मार्केट करीब करीब इसी टेरिटरी में चल रहा है। ठीक है, तो इसी टेरिटरी में जो है
मार्केट के चलने की काफ़ी उम्मीद है दोस्तों। तो आप जो है अगर अपने ट्रेड्स स्पेशली ऑप्शन राइटिंग से रिलेटेड ट्रेड्स ले रहे हो तो आप इस टेरिटरी को फॉलो अप कर सकते हो। और दोस्तों अब आपको कॉल राइटिंग करनी है, पुट राइटिंग करनी है, ये तो अब तक अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको देख लो, उससे आपको काफ़ी बेहतर से समझ आ जाएगा कि इस मार्केट में जो है किस तरीके के ट्रेड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। और दोस्तों इसके बारे में मैंने काफ़ी पहले ही लोगों को अवेयर कर दिया था कि हाउ आई प्रिडिक्टेड स्टॉक मार्केट टॉप इन 2021। इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिटेल में लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है अभी 7,500 के लेवल से दोस्तों स्टॉक मार्केट अभी 14,800 15,400 तक के लेवल पे, जो कि इसने हाईएस्ट बनाया है। तो मतलब मार्केट बिल्कुल डबल हो गया है, ठीक है, ये बिल्कुल डबल हो चुका है मार्केट। तो ऐसे टाइम में दोस्तों काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है एक अच्छी खासी करेक्शन आने की, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले ही लोगों का अवेयर कर दिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखें कि हाउ आई प्रिडिक्टेड स्टॉक मार्केट, और आपको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए जिसमें आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा। ये वीडियो में मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने और सिखाने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, वहाँ पे टाइमली अलग अलग चीज़ों की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी रिटेलर्स को अवेयर किया जाता है। तो दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस बनाई हैं, उनको एक बार जाके ज़रूर देखें, जिसमें मैंने संदीप माहेश्वरी सर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टॉक मार्केट की पिक है उसके बारे में बताया। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हो सकता है आने वाले टाइम में जो रिटेलर्स हैं उसको बहुत फ़ायदा मिले। और मेरा पूरा पर्पस जो है इस चैनल को बनाने के पीछे यही है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को अवेयर किया जाए स्टॉक मार्केट को लेकर के। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, जो स्टॉक मार्केट में प्राइस का फिनोमिना होता है वो प्राइस के फिनोमिना को दोस्तों इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जिसमें ये काफ़ी फेमस डायलॉग हुआ है, काफ़ी एक पॉपुलर एक वेब सीरीज़ आई थी अभी स्कैम 1992 की हर्षद मेहता को लेकर के, उसमें बताया गया था कि मैं किस्मत में नहीं कीमत पर विश्वास रखता हूँ। तो दोस्तों इसके थ्रू जो है इस टैग लाइन के थ्रू हमने स्टॉक मार्केट में प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की कि प्राइस जो होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है और किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों अगर आपने इन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जा कर के ज़रूर देखना चाहिए। इवन दोस्तों ऑप्शन राइटिंग के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो हमने टाइमली अपलोड किए हैं यहाँ पे, और अलग अलग तरीके से एनालिसिस को करके दिखाया है, चाहे आरएसआई इंडिकेटर हो, चाहे वॉल्यूम एनालिसिस हो, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात हो निफ्टी के साइकोलॉजिकल लेवल्स की, और निफ्टी में किस तरह से टॉप को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दोस्तों हमने कोशिश की है दोस्तों ताकि रिटेलर्स और अवेयर हों और रिटेलर्स की कम्युनिटी स्ट्रांग हो, उनको समझ आए कि स्टॉक मार्केट रियल में कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वाइस ट्रेडर का ट्रेडर्स चैलेंज काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो कॉल राइटिंग से रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और इस वक्त पे जो है ये मार्केट पूरी तरह से दोस्तों ऑप्शन राइटर्स के कंट्रोल में चल रहा है, ऑप्शन बायर को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है इस मार्केट में। और दोस्तों ऑप्शन बाइंग एक बिल्कुल लूजिंग टाइप की स्ट्रेटजी की तरह देखने को मिलती है स्टॉक मार्केट में, ये काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। लोग जो है ऑप्शन सस्ते होने की वजह से जो इन जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं या पुट्स हैं उनको बाई करते हैं, बट वो रियल में जो है बहुत महंगे साबित होते हैं लोगों को, ठीक है, जब उनको लॉस ही मिलता है। और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोई इन द मनी पुट्स को बाई करे दोस्तों या इन द मनी कॉल्स को बाई करे, क्योंकि दोस्तों वो भी बहुत महंगे भी होते हैं, और महंगे होने के अलावा उसके लिए एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है जो कि हर एक आम रिटेलर में नहीं होती है। तो इसलिए इन द मनी कॉल्स या इन द मनी पुट्स से जो है दूरी बना के रखें।
फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी दोस्तों आप जो है तब तक ट्रेड ना करें जब तक कि आपको स्टॉक मार्केट की पूरी समझ नहीं हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये इतने आसान ट्रेड नहीं होते हैं जितना कि फ्यूचर और ऑप्शंस का मार्केट बताया जाता है। ये मार्केट जिस तरीके का है उसमें इस वक्त पे कोई भी आम आदमी यही समझ सकता है कि दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन ऑप्शन राइटर जो है डेफिनेटली सक्सेसफुल है। और वो क्यों है दोस्तों, अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है यहाँ पे पहले कहाँ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट पहले था दोस्तों 15,400 के लेवल पे, फिर मार्केट कहाँ पे आ गया, फिर 15,200 की टेरिटरी में मार्केट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट कहाँ पे आ गया, 15,000 के लेवल पे आ गया है, और अब मार्केट की उम्मीद है दोस्तों 14,800 के लेवल पर आ जाने की। उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से मार्केट जो है धीरे धीरे स्लो मोशन में जो है नीचे आ रहा है, रादर देन जो है जनरली जैसा प्रीवियस मार्केट्स में जब करेक्शन देखने को मिली है तो उसमें जनरली दोस्तों यही होता है कि मार्केट जो है काफ़ी सडन फॉल दिखाने की कोशिश करता है। खैर मार्केट मार्केट है दोस्तों, मार्केट से लड़ा नहीं जा सकता है, मार्केट जो है अपने अकॉर्डिंग ही चलता है। इसमें इस मार्केट में सिर्फ आप कुछ स्टॉक्स में ही स्पेसिफिक हो सकते हो दोस्तों। इस मार्केट में आप हर एक स्टॉक को बाई करें ये सही नहीं होगा, जिनके फंडामेंटल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हो और वो बहुत कम प्राइसेस पे अवेलेबल हो दोस्तों उसी स्टॉक की तरफ आप जाएं इस मार्केट में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपके आने वाले स्टॉक मार्केट के अंडरस्टैंडिंग में। और आपको जो ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई गई हैं दोस्तों, इनको एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए कि मैंने किस अकॉर्डिंग जो है स्टॉक मार्केट में लोगों को सिखाने की समझाने की कोशिश की है अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि रिटेलर्स की कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये इनिशिएटिव दोस्तों एक रिटेलर्स के लिए चलाया गया इनिशिएटिव है ताकि लोगों को सीखने और जानने का मौका मिले कि स्टॉक मार्केट किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे जितनी भी वीडियोस बनाई गई है वो ट्रूथ और ट्रस्ट पे आधारित है दोस्तों, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए स्टॉक मार्केट को लेकर के। और जिस तरह से दोस्तों काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स हैं जैसे कि वाइस ट्रेडर है जिससे उनसे सीखने को मिला है, उसी तरीके से बाकी सभी रिटेलर्स को भी सीखने को मिले और बाकी सब रिटेलर्स भी अवेयर हों और वो स्टॉक मार्केट में आगे बढ़े। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।